नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर 9। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा निकाली गई विजय संकल्प विशाल वाहन रैली, यह वाहन रैली पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा एवं विधायक उमाकांत शर्मा के नेतृत्व में निकाली गई। विशाल वाहन रैली राधा कुंड से शुरू होकर तहसील न्यू बस स्टैंड, मंडी बाईपास, चांदनी चौक, सराफा बाजार, कस्टम से होती हुई छतरी चौराहा, हनुमान मंदिर पर वाहन रैली पहुंची। वहां पर यह वाहन रैली विशाल आम सभा में परिवर्तित हुई। आम सभा के मंच पर पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा एवं विधायक उमाकांत शर्मा, युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी ने पूर्व मंत्री का भव्य स्वागत किया, तो वहीं मंच संचालन नगर पालिका अध्यक्ष पति रमेश यादव ने किया। इस मौके पर युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष सीताराम कुशवाहा, पारस तारण विकास, रावल सौरभ, गोलू खत्री, लटेरी से युवा मोर्चा अध्यक्ष माखन सिंह यादव, लक्ष्मण सिंह बघेल, गजराम यादव, ये सभी विजय संकल्प रैली में सम्मिलित हुए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था, जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में सामूहिक रूप से बाइक रैली निकालना थी। जैसा कि मालूम है कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, देश के प्रधानमंत्री रूप में नरेंद्र मोदी को चुनाव बिठाना है, इस वजह से संदेश देने के लिए, संकल्प लेने के लिए और गांव-गांव में पार्टी कार्यकर्ता काम में लग जाए, इसके लिए ये यात्रा निकाली। सरोन लटेरी विधानसभा ही नहीं, क्षेत्र तक की जनता लक्ष्मीकांत जी की डिमांड कर रही है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व आज नहीं 15-20 सालों से कर रहे हैं, उनको यहाँ से सागर सांसद ये टिकट मिलना चाहिए। सागर सांसद मैं इस विषय में कुछ अपनी तरफ से तो कहता भी नहीं हूँ। आपको ध्यान होगा 1993 में मैं चुनाव लड़ा था, तब भी मुझे पार्टी ने भुला करके संघ में दायित्व पर था। सिरों से कैमरामैन अतिन शर्मा के साथ संतोष जैन की रिपोर्ट। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।